हमें पार्टी खातिर तोके और मल्हार के इनवाइट करे आइल रहनी। सिमोन, आई एम वार्निंग यू फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम, तू गीत के साथ ऐसी बात मत करा, ये बदतमीजी का तमाशा बंद करा। फंस गई हमारे जाल में। अच्छा वाह, ये भइल ना बात, बस एक बार वो पार्टी में आवे तो सही, वहां ओकर अकड़ ऐसा निकली है कि जिंदगी भर याद रखे। वैसे तो वो पूरा तैयारी करके आई है ये बतावे खातिर कि वो भी हमनी जैसन हाई क्लास पार्टी अटेंड कर सके नी। फिर कब हुआ जी, बेचारी फंस गई है हमारे जाल में। धीरे बोला क्यों सुन लिया था, याद बना का भइल रहे होली पे ना बुआ जी, ई बार होली जैसन कुछ ना होई। चला तू ऐसन करा, तू जा हां निकला यहां से। थैंक यू कम्मा बुआ। अल्लू बड़ा थैंक यू कहे वाली। बस ई बार आप गीत की पार्टी में भेज दिया, फिर आपके बड़ा सा थैंक यू करब। तू ओकर फिकर मत करा, हमके चाहे जे कुछ भी करे के पड़े पर वो गीत और मल्हार तहार पार्टी में जरूर आई है। फिर तो क्रिसमस वाला दिन वो गीत के जिंदगी के आखरे दिन बनी है ना। तू ककरा से पूछ के इनविटेशन देके आयल बड़ू मेरा हाउस में। पर पापा पार्टी तो हर साल हो खेले ना, लेकिन ई बार कौनो पार्टी ना हुई। पार्टी ना हुई है और काहे पापा, बस मना करा लेना, एकर मतलब ना हुई पार्टी। ये कैसन बात करत आनी, अब आपके का इतराज बाऊ पार्टी से? हमके पार्टी से कौनो इतराज नहीं के, पर हमके उ लोगों से इतराज बा जिनकरा ये पार्टी में बुला के आइल बिया। मल्हार और गीत के पार्टी में बुलावे के कौन मतलब बा? अगर ऊ उन लगन के पार्टी में बुलावत भी बाड़ी तो एमे का गलत बा? अगर गीत और मल्हार पार्टी में आ भी जाई हैं तो का बिगड़ जाई? हमके अच्छी तरह से मालूम बा सिमोन के, आप शायद भूल गए लो जौन सिमोन मेला वाला पूजा में कैले रही, ऊता गीत के सिमोन पे तरस आ गेल रहे, ना तो सिमोन उस समय जेल जाए के पूरा तैयारी कर ले रहे। तो ना करत तरस हम पे, हमके केहू के तरस की कोनो जरूरत ना बा, ओकर का औकात बा? उ ढोली किले की सिमोन पे तरस करे हैं। यह तो हम तोरे के समझा रहा नहीं, तोहार और गीत से कौन मेल? तू छोड़ उकरा के, हम तोरा खातिर बहुत अच्छा लड़का ढूंढ ले हैं, तो उकरा से शादी करा और अपन घर बसावा। आप ये बात भी कैसे कर सके नहीं पापा, आपके तो पता बना हमार शादी हो चुकल बा मल्हार से। सिमोन पागल हो गेल बाड़ू तू, कौन शादी के बात करल बाड़ू तू? मम्मा आप समझाई ना पापा के, हमार शादी तो मल्हार के साथ हो चुकल बा ना, हमार दिल में बस मल्हार बसेला पापा, और हम वो जगह के और के ना दे सकेनी। हम जब भी घर बसाए के बारे में सोचे नहीं था तो हमारे सामने एक ही चेहरा आवेला, उस चेहरा सिर्फ मल्हार के बा पापा, क्यों और के ना। तुहार आपन ता दिमाग खराब हो ही गईल बा, और अब तू हमार दिमाग खराब करबू वो नाम सुना सुना के। मल्हार मल्हार मल्हार, हमार कान पाक गए नाम सुन सुन के। हम कहता नहीं अब बस भी करी राजेंद्र जी, हमने के सिमोन पहले ही बहुत दुखी बाड़ी, ओकरा के ई सब बात कही के ना और दुखी मत करी। आप ई कहना सोच ले कि जोन सिमोन करे जा रहल बिया उससे ही खुद भी दुखी हो जाई। हम ऐसन कोनो काम ना करत बानी पापा। तू तो मनबू ना सिमोन, लेकिन हमके पता बा तू पक्का ऐसन कोनो काम करबू। हम तोहर बाप हैं, बहुत अच्छा तरीका से जानते तोरा के, हम तोके कोनो पार्टी ना करे देब। सुधा का करल बाड़ू? सुधा हम का करब, आपके सामने बानी
आप बताइए आप कहाँ से आवत नहीं? हम तो गांव के चक्कर लगावे गेल रहनी। शर्मा जी आज गुड़ पैक करत रहे। आजकल उनकर गन्ना के फसल बहुत अच्छा भइल बा और गुड़ भी बहुत सोना जैसे निकलल बा। चला अच्छा बात बा, वो मेहनत कैले सा और मेहनत के फल तो हर एक के मिले के ही चाहिए ना। वो तो ठीक बा, पर हम सोचत रहने के दो बोरी मेरा हाउस में भेज दी गुड़ के। बस खाली सोचनी, भेजिया मत। ना भेजी, लेकिन काहे सुधा, हम तो बहुत मेहनत से आज गुड़ के दो बोरी पैक कैले हैं सुधा। समझा करी ना, वो लोग बड़ा लोग बनी तो वो कहा कहिए आपके हाथ से बनावल गुड़ और वो लोग आपके ही मुंह पे मरी हैं और जो वो आपके बात सुनी है ना वो अलग। ये तो कैसन बात कर रहा बाड़ू सुधा। टीटू, ओए टीटू। हाँ जी बाबूजी। ओ बिटुआ हमारे ना कमरा से फोन लेके आवा। ठीक बा, हम लावा तनी। सुधा हम तो के एक और बात बताओ के तब भूल ही गई नहीं, पिंकी के खातिर एक रिश्ता आयल बा। अच्छा, कहाँ के बाऊ लेका? अमृतसर से बा। अमृतसर से? हाँ हाँ, बहुत अच्छा रिश्ता बा और लेका भी बड़ घर के बा। अच्छा घर के लेका? अब वो पिंकी के कहाँ देख लेनी? ए हम के ना मालूम, लेकिन आजकल तो बहुत तरीका बा पता करे के। मोबाइल में भी ता फोटो वगैरह देख के ता हो जाला, तो वो लोग भी देख ले हुए हैं पिंकी के कहीं पे। अच्छा, ता आपके कहाँ से पता चला लड़का के? अरे हम शर्मा जी के दुकान पर गए रहनी, ता वहाँ पे जागीरदार बैठल रहे अपन गांव वाले, वो बतेले बारे हमरा के। ता ठीक बा पापा, हम भी घर में पार्टी ना करब। पार्टी करे खातिर और भी बहुत सारा जगह बा, हम वहाँ बाहर जाके पार्टी कर ले। सिमोन बेटा, जे तहार दिल करा था ना तो उहे करा, जहाँ तोरा एक पार्टी करे के बा तो ओजा पार्टी करा, हम तोहार साथ बनी। और वो पार्टी खातिर तोरा के जितना भी पैसा चाहिए ना तू हमरा के बता दा, हम तोहरा के दे दे। नीतू जी ये आप गलत कर रहल बाड़ू, हमार बात सुना। हम अब कोनो बात ना सुने के चाहता नहीं, अब आप बसी करी। हमने की एक एक तो बेटी बा, अब वो अपन मर्जी से कुछ कर भी ना सके नी। एमे सिमोन के कसूर भी का बा? मेरा हाउस वाले तो ओकरा के अपन घर के बहू बनावे की चाहत रानी ना, और वो पूजा में भी उहे ओकरा के लेके गई रानी। वो तो हमार बेटी के बड़ा बड़ा सपना दिखाई रानी, और उन्हें के कहे से हमार बेटी मल्हार के साथ जिंदगी गुजारे के सपने देख लस रहे। वो हमार बेटी के दिल बहुत दुखनी हा, हम ओकर माँ, हम ओकरा के रोवत भय ना देख सकेनी, हम ओकर दिल ना दुखा सकेनी। सिमोन हम तो हर साथ बनी। अरे आपके तो उल्टा सिमोन के समझावे के चाहे नीतू जी, लेकिन आप एकर साथ दे रहल बारू। हाँ हम देब अपन बेटी के साथ। सिमोन तू जहाँ पार्टी करे के चाहता रू ना तू करा, और तोहरा के जितना भी पैसा चाहिए ना हम देब। थैंक यू मम्मा, आई लव यू मम्मा। आई लव यू टू हमार बच्चा। एक मिनट मम्मा। हेलो। हेलो प्रशांत बोलता नहीं सिमोन? हाँ जी फुफा जी बोली। हमरा के कुछ पैसा चाहत रहे। पैसा? हाँ अगर इंतजाम हो जाए तब। पैसा के इंतजाम तो हम कर दे फूफा जी, पर ओकर खातिर आपके भी हमारे एक काम करे के पड़ी, पार्टी हॉल के इंतजाम करे के बा। पार्टी करता नहीं तू? हाँ बहुत स्पेशल पार्टी, जेकर भी मल्हार और वो गीत के भी बुलाए। मल्हार और गीत के बुलाए तू पार्टी में? हाँ जी फूफा जी। ले पापा जी आपके फोन आ गए। हाँ हाँ ले आवा ले आवा। हम मेहरा साहब के फोन करत है, लेकिन फोन करे के तम के आवेला ही ना। पिंकी, पिंकी बिटिया। हाँ जी पापा जी। पिंकी बिटिया इला गीत के फोन लगावा। हाँ जी हम के बात करे के। हाँ इले घंटी जा रहल बा। हाँ हाँ घंटी जा रहल बा।
हेलो, नमस्ते बड़के साहब जी। हाँ सुरजीत, कौन बात करे क्या? जी बड़के साहब जी, हम कुछ कहे के चाहत रहे नहीं कि हमारे गांव में इस बार बहुत बढ़िया गन्ना भइल बा और बहुत बढ़िया गुड़ भी भइल बा। अच्छा, फिर तो बहुत बढ़िया। हाँ जी बढ़िया ही बा। यहाँ भी गुड़ के ही बात होते रहे। दरअसल गीत कल गुड़ के पुआ। गीत पुआ बने ले रहे? हाँ जी बड़ साहब जी। कोनो बात ना, इंतजाम हो जाई। तारा के मल्हार चाहिए ना, मिल जाई। बस तू गीत के छोड़ दा। गीत के छोड़ दे? हाँ, हमरा खातिर तू गीत के छोड़ दा। ओकरा से ता हमरा बदला लेबे के बा। घर में जे चोरी वाला बात भइल बा ना, हम कहीं मुंह दिखावे लायक न रहनी। इतना बड़ बात हो गई परिवार में और हमरा के केहू बतैलस भी ना। अब तान्या के शादी के बात करत बानी फूफा जी। हाँ, हमरा से केहू पूछल भी मुनासिब ना समझलक। एक गीत नाम के ग्रहण तो हमार जिंदगी में लग गई बा और एक ग्रहण के उपाय भी हमरा खुद करे के पड़ी। हमरा हमर परिवार के गीत से छुटकारा चाहिए बस। ठीक बा, गीत के आप रखनी, हमके तो सिर्फ मल्हार चाहिए। मल्हार के हम कोनो भी कीमत पे पाके रह। वह केकर याद आ रहल बा, हमार तक कमर बहुत दर्द हो रहल बा, का बताई तोरा के? हम कमर के दर्द ता भूल ही जाए साहब जी, हमके को तेल पता बा, इलाज देसी बा, पर बा कामयाब। हम वो तेल भेज देब और गीत से कह देब कि वो आपके कमर पे अच्छा तरीके से लगा भी दी। दो दिन के बाद आपके आराम आ जाई, आपके तो याद भी ना रही कि आपके कब कमर भी दुखत रहे। जी बर साहब जी। हाँ, वो तेल भी भेज दिया और जंतु गुड़ के बात करते रहे ना, वो भी भेज दिया, खुला ही भेज दिया। हाँ जी बर साहब जी, हम दो बोरी भरवा के भेजब जी। आप पहली बार इतना इज्जत से भेजे खातिर कहले बाड़े, अब तो हम जरूर भेजब जी। हाँ भेज दिया। बड़के साहब जी, हम एगो और बात करे के चाहत रहनी आपसे। हाँ बोला जी। हमारे बिटिया गीत आपके सारा परिवार के ख्याल तो रखे ली ना, और आप अपन चरण में उकरा के जगह दे दिले बाड़े ना। ऐसन कौनो बात नहीं के गीत के जगह हमारे चरणन में ना। जी हम बात समझनी ना आपके, का कहले बड़े साहब जी, बात सुनाई ना देले आपके हमके। ना कुछ ना बा। अब वो गुड़ भेजती हो, ठीक बा ना? अच्छा, क्या बात हो गई बड़के फूफा जी, कौन सी बात करते रहले आप? करे के तो हमरा के ही पड़ा था सब कुछ। हमरा अपन जितु वापस चाहिए, जैसे मेरा परिवार में बर जमाई के नाते हमरा मिले के चाहिए। पूरा परिवार हमरा सर पर रखले रहे, हमरा के उहे इज्जत उहे रुतबा हमरा के वापस चाहिए रोकी। कौनो बात नहीं के फूफा जी, आपके आपका रुतबा और वो इज्जत जरूर मिली। पार्टी तो आप कर ही रहा हो और गीत मल्हार के भी बुला रहा हो, बाकी आप हमारा पे छोड़ दी, हम खुद ही संभाल लें। बड़के साहब कुछ कहात रुक गए ले, शायद गीत पुआ बने ले रहे, उनकर बहुत अच्छा लगे ले। का बोला तनी? आप समझ में आए ले, उनकरा के पुआ के स्वाद लग गए, पर उनकर कहे के ना बना कि हमार बिटिया गीत बहुत अच्छा पुआ बने ले बिया। बड़के साहब अपन मुँह से कहाँ कही है ही बात। अच्छा, तो ये बात बा। हाँ सुधा, अपन बात घुमा दे ले। हमसे कहत रहे कि कमर दुख रहल बा, गीत के बनायल पुआ के तारीफ करे से शर्म आवेला ना उनकरा के। अब देखिया तू नजारा हम का करत है। हम भेजब गीत के घर गुड़, और वो गुड़ से गीत बनाए मीठा मीठा पकवान, और हमार बिटिया के मुट्ठी में जेके मेरा साहब ना आईले तो हमार नाम भी सुरजीत ना कहिया। और अब तू देखिया नजारा, मुसर सेठ तू यहाँ पे आपका लेवे आइल बाय जा।
हमनी के घर में एक गंदी संदी अपन मनहूस शकल लेके फिर आ गई ला। बस ज्यादा जबान न चलाओ सुधा रानी। अब तू आँख मत दिखावा, तरक पता बना तू जेके मेरा के संदी के घर खड़ा बा। अगर ज्यादा बोलस ना तो हम एक फोन करब तो तू जल्दी न छुड़बा जेल से, अंदर एड़ी रगड़ रगड़ के मरबा। तार इतना हिम्मत सुधा रानी। रुक जाए शंकर ढोली। ना सुधा रानी ना, इतना बुरा बोलना बोला। हम कहाँ तोरा घर में लड़े आए, हमके तक खबर मिलन रहे कि भाई तुहार बिटिया के रिश्ता बहुत बड़ घर से आयल बा। हाँ? अच्छा मिल गई तोरे की खबर। छोट सा गांव बा, ऐसन खबरें कहाँ छुपेली सुधा रानी। मल्हार साहब जी ई देखी खाके बताई कैसन बनल बा। का कैसन बनल बा गीत मालपुआ। अभी हम बड़का बच्चा के खुआ के आए ले, अब छोटका के बारी बा। बड़ बच्चा वो कौन बा गीत। बड़का बच्चा हमार ससुर जी साहब, आपके पापा जी। का कहलो तू ई मालपुए भाऊजी खैले बनी। और का वो तो इतना स्वाद में खैले कि उशारा इशारा में हमके कह भी दे ले कि और ले क्या वा। गीती तो सच में तो हर हाथ के जादू बा कि वो एक प्लेट के जगह दो प्लेट मांग ले बानी। जरा तू भी अपन हाथ से हमरा के मालपुए खुआवा ना, शायद शायद तनी और मीठा हो जाए। हम खुआए। इतना भी छोटा बच्चे नहीं खिया है आप, चले आप भी का याद रखब। मुखुली गीत सच्ची इमे तब बहुत स्वाद बा। नहीं तो तहार हाथ से स्वाद दुगुना हो गए। गीत एक बार और खिलावा ना प्लीज। खोली मु। गीत सच्ची स्वाद ही आ गई एक्चुअली। आई लव यू गीत, आई लव यू सो मच। बहुत हो गए आपके लव यू, बहुत काम छोड़ के आयल बानी हम। प्लीज एक बार फिर खिलाबा ना। अच्छा चलिए ठीक बा, अपन आग बंद करी। ठीक बा अभी कर लिया, ये देखा। खोले के निखे बा। ना खोला तानी बाबा। मुँह खोली। गीत का खिला दे तू। वाह बहुत गुणी बारी मेरा परिवार की बहू, पति के ता ऐसा हाथ बना दे ली लेकी, और लेका पत्नी की उंगली के पीछे नाचे फिरेला। देख ली छोटी भाभी जी, बेचारा रांझा के पूरी के जगह मिर्चा खिला दे ले ही गीत। एकर तब पूरा तैयारी बा मेरा परिवार के अपन उंगली पे नचाए के। अब देखनी ना बड़ भाई साहब के, उन पर भी पूरा जादू चले लग गई बा गीत के, कैसे एकर तारीफ करत रहले सबके सामने देखनी। बतावा गीत कौन मंत्र मारे ले तू सब लोगन के ऊपर, हमनी के भी कुछ सिखा दा। चाची जी बुआ जी कोनो मंत्र के जरूरत नहीं पड़ रखे हो के दिल जीते खातिर, बस ही सारा बात ही सब प्यार के बा। आप भी कोशिश करके देख ली, मेरा परिवार के सब लोगन प्यार करके देख ली, फिर देखी दुगना प्यार मिली आप लोगन के। सच्ची ओहो हमके तब पता ही ना रहे। आप पता लग गई ना
चली अब हमके जाए दी, हमके बहुत सारा काम भी छोड़ के आई लेना। हाँ हाँ, सब घर के काम तू अकेले ही करे लू ना, हमने तो लात पे लात धर के ही बैठे नी ना, है ना? चली शुक्रवा चाची जी, आप माननी तो सही कि आप यहाँ पे कोनो काम करे खातिर आये हैं। हम जब से घर में शादी करके आये हैं, हम तो आपके काम करे कबो भी नहीं देख ले हैं, बस लात पे लात धर के हुकुम चलावत देख ले हैं। अच्छा, मतलब कि तहार आवे से पहले मेरा हाउस में तो कोनो काम ही ना होखेला? हाँ, होखत होई बुआ जी, पर आप ता हाथ भी नहीं खेल लेनी, यही खातिर कहत हैं घर के कोनो काम करल करी, आपके सेहत ठीक रहे। ऐसे रबड़ के गुड्डा गुड़िया बन के बैठे के का फायदा बुआ जी? तहार सुबान कुछ ज्यादा ना चलत बा, हुँ? काहे मल्हार, तू बोलत ना बाड़े, बस सुनत रह बा, देखत ना बाड़े कितना बोलत बाड़ी, एकरा के ना सिखे बा कि अपन से बढ़ के कैसे इज्जत करल जाई। इज्जत का गीत शायद हमरा से ज्यादा करता नहीं बढ़न के, शायद आप ही बात भूल गई बानी, जब बाऊ जी गुस्सा में आके फूफा जी के मारे वास्ते छड़ी उठेले रहनी ना, उ वक्त के रोक ले रहे बाऊ जी के। मल्हार, अपन अपन मुंह बंद रखा। तो हम कहां कुछ गलत कहानी बुआ जी, बाऊ जी यानी कि जलंधर शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन जे के मेहरा के हाथ पकड़े के कोशिश के हो तो ना कर सके ना, लेकिन ओकर हाथ पकड़ लक हमार वाइफ गीत, वो भी बिना कोनो चीज के परवाह किए, कहे कि ओकरा तहार इज्जत के ख्याल रहे, पूरा परिवार के इज्जत के ख्याल रहे। बुआ जी जरा अपन आंख के आगे से ना ई पर्दा हटा के देखी, फिर आपके पता चली कि गीत मेहरा परिवार के मान बानी मान, प्राइड ऑफ मेहरा फैमिली। मेहरा परिवार के मान, ओहे मान जेकर साथ दरवाजा खिड़की खोल के मस्ती करत रह ले तू, हाँ? खुद ता शर्म नहीं खे, दूसर लोगन के देख देख के शर्म आवेला। हम सुन लगे तोरा लोगन के मस्ती करे के समय मिल गई बा, अब सिमोन तो के पार्टी पे बुले ले बा। अब मल्हार, तू अकेले जेबा या ई लड़की के अपन साथ लेके जेबा? का गीत, तू वहाँ पे जाके भी ढोल बजेबू और वहाँ पे भी लोग तोरा पे हसी है? यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट चाची जी, गीत तू पार्टी में जरूर जाई, और जाई भी रानी बन के। अगर आपके यकीन नहीं थे ना, तो खुद ही पार्टी का वीडियो मंगा के देख लिया तो शायद आपके यकीन आ जाए। ली वीडियो के भला हम का करब, वो तो वैसे भी पता चल ही जाए ना, जौन रंग लगाई तोहर पत्नी वहाँ पे जाके। मल्हार साहब जी, आपके का जरूरत रहे चाची जी के इतना कुछ कहे के? काहे ना कहीं गीत, यहाँ हमर वाइफ के केहू बेइज्जती करके चल जाए और हम चुपचाप खड़ा रही। अच्छा, मतलब जवाब देवे की जरूरी रहे, का हो जाई जवाब देके? का हो जाई? हाँ, का हो जाई? अब बहुत कुछ हो जाई, कहे कि हम तहरा बारे में केहू से कुछ ना सुन सके नी गीत, बिकॉज आई लव यू। एक तो आप और आपके लव यू, अगर इजाजत हुई ता हम कुछ कहीं मिसेस गीत मेहरा। बोली मिस्टर मल्हार मेहरा। सोचत रहनी कीजे, ब्याह के बाद ता हमने कहीं हनीमून पे तो ना गई नहीं। हनीमून? ये की हो खेला मल्हार साहब जी? गीत हनीमून, हनी मतलब होवा ता शहद और मून मतलब चंद्रमा, यानी कि शहद चंद्रमा। शहद चंद्रमा? हाँ जी गीत, ब्याह के बाद दो हस्बैंड वाइफ घर से दूर घूमे जाला गीत, समझ गई लू ना? हाँ जी मल्हार साहब जी, हम समझ गए नी, हनीमून का हो खेला हम समझ गए नी। बस एक बार ना टाइम बचा के तहरा साथ रहे के मौका मिल जाए ना, जहाँ तू रहबू हम रही, हमनी के प्यार होई और केहू भी ना, जहाँ हम तहरा पास आ सके और ज्यादा पास।
गीत गीत आई लव यू गीत आई लव यू गीत आई लव यू आई लव यू आई लव यू बाहुजी आप यहाँ पर? हाँ हम यहाँ देखत रहनी कि तू आज तक अपन माई बाबूजी के आई लव यू ना कहला। ना बाबूजी, वो मतलब नहीं खे एक्चुअली। चला पापा जी के छोड़ा, अब एक बात मार ध्यान से सुनो। हम कई दिन से तुझसे ये बात कह के चाहत रहनी कि तू के ऑफिस जाए के चाहे, और अब हम चाहते हैं कि तू कल से ऑफिस जाओ। ओके बाबूजी, पर एक बात और, अब हमके तान्या के शादी की तैयारी शुरू करे के चाहिए। हाँ जी बाबूजी, उस सारा तैयारी तब हो जाए, पर ऑफिस कल जाए के बा? हाँ कल से तू ऑफिस जाएगा। पर बाबूजी हम कहत रहनी की। हाँ हाँ का कहे के बा? हमार मतलब बा, हम सोचत रहनी की। तू कभी सोचेला कभी बोलेला, सीधा बोला का बात कहे के बा हमरा? हम पूछत रहनी की जे हमनी बाहर घूमे चल जाई। बाहर? लेकिन कहाँ? ओ भाऊजी, ये हम अपन मुंह से कैसे बोल सकता नहीं। अगर तू कहबा ना तो हमके मालूम कैसे होई? बतावा कहाँ जाए के बात हो रहा के? भाऊजी एक्चुअली भाऊजी हम हनी के हनी तो के शहद चटे जाए के बा कहीं पे? ना ना हमार मतलब बाकी। का मतलब? एक्चुअली बाबूजी हमनी हनीमून पर जाए के बा। के बा के रोकी अच्छा तो ई बात बा, मल्हार ब्रो गीत के साथे हनीमून पे जाए के सोच रहल बा ना? तू यहाँ खड़ा का करत बारो? आपके काम के बाद सुनत रानी। हमार काम के बाद? हाँ जी, मल्हार ब्रो और गीत हनीमून पे जा रहे हैं। का कह लू हनीमून पे? एक मिनट रुको, तू हेलो हेलो सिमोन। हाँ जी कम्मो बुआ बोली। बहुत टाइम ना ले तहार, बस तो के जरूरी बात बतावे के रही। मल्हार गीत के हनीमून पे लेके जात बाड़ी। मल्हार गीत के हनीमून पे लेके जात बाड़ी? हाँ बिल्कुल सही। कितना अच्छा लगा तारी हमार बेटी, शरम आवता बेटी के, हमार जमाई के तो नजर बिना हटी तोरा ऊपर से। मम्मी ऐसा मत बोले, हमके शर्म आवेला। शर्म तो लड़कियन के गहना होला, आईबे करी। सुधाला फोन से बात करला। केकरा साथ? गीत से। और किसे? गीत? हाँ। का हाल बा हमार बेटी रानी के? हम ठीक बानी मम्मी जी, आप बताएं घर में सब ठीक बा? हाँ हाँ सब ठीक बा। हम सुननी अब तोहार घर में भी सब कुछ ठीक होता? कहा तानी कि तोहार हाथ से बनल मालपुआ बड़े साहब जी बड़ा स्वाद से खैनी। हाँ हाँ जी बहुत स्वाद लागल रहे उनकरा के। मतलब अब वो तोहरा पर कोनो गुस्सा उस्सा ना करेनी? तोहरा के वो अपन बहु मान लेनी है ना? अब ये बात के तो हमके नखे पता हुआ मम्मी जी, पर जब हमार ननद के लड़का वाले देखे खातिर आयल रहे ना, तब पापा जी उनकर सामने हमार बहुत तारीफ कर ले रहे। तोहार तारीफ कर रानी? हाँ जी कहत रहे की हमने के बहु बहुत ही अच्छी बाड़ी। ये तो अच्छा बात बना, अगर उनकरा के दिल में तोहरा खातिर थोड़ा भी जगह बना तो तोहरा के अपना भी ली है। अब तू फिकर मत करा। फिकर तब हमके कुछ भी नहीं किया मम्मी जी, अगर फिकर बा तो सिर्फ अपन छोटी बहन के शादी की फिकर बा। तो फिर तू इहो फिकर ना करा, ओकर शादी पक्का हो गई बा। सच्ची मम्मी? पिंकी के शादी पक्का हो गई? अच्छा हमार बात तक रही उनकरा साथ? हाँ हाँ अभी करा होता नहीं। ला पिंकी बात करा गीत से। हेलो दी, कैसन बानी आप?
हम ठीक हैं तो हम खुश भी बहुत हैं। हमार छोटी बहन के शादी जे पक्का हो गई बा। हमरा खातिर ई खुशी के खबर से बढ़कर कौन खुशी के खबर हो सकेला पिंकी। तू हमेशा खुश रही है। तोहर दुन्नू की जोड़ी 7 जन्म तक बनल रहे। हेलो हेलो पिंकी, बोलत नहीं की बाड़ू? शर्मावा तारी बेवकूफ लेकी, तो हर बात सुन के बस हंसते जाता रही। शादी के चाबा ना ओकरा के। चली कोनो बात ना, आप पापा जी के कहीं वो पिंकी के शादी के फिकर नहीं करे। अब पिंकी के शादी की जिम्मेदारी हमार बा। आप लोगन के जब शादी के दिन पक्का हो जाई ना, उस समय बता दी, उस समय मत बताई जब सब लोगन घर में आके बैठ जाई हैं, ठीक बा ना? चलिए ठीक बा, हम फिर करते हैं मम्मी जी बात। अरे पिंकी रानी, कितना सुंदर लगे लो, बिल्कुल तितली जैसन। मार दो उड़ान और पी पी करके आके बैठ जा हमारे घर के बेड पे। बताओ बैठबू ना? तुके बैठे के ही पड़ी, अब ज्यादा दिन ना बचल है। तुके बैठे के ही पड़ी पिंकी रानी, तुके बैठे के ही पड़ी। अए अए शंकर ढोली, अए पिंकी रानी। पापा पापा। हाँ तान्या, बताओ कौन बात बा? हमके बहुत जरूरी बात करे के बा पापा आपके साथ है। आपके हमार बात सुने के भी पड़ी और ये मसला के हल भी करे के पड़ी। ऐसा तो कोनो बात बाही ना जेके भैया, आप आपन काम करी, कौनो बात ना सुनिए कर। आपके का लागत बा चाचू कि आप ऐसा बोलो और हमार पापा हमार बात ना सुनिए? चल बताओ तान्या, का बात बा? डायमंड एकरा बात कर ले वेदा। ये देखी ना पापा, कितना लंबा लिस्ट बनाई बानी है हमरा खातिर। हम खुद ही दे दे पापा जी के। पापा जी। लेकिन ये बा का? पापा जी सारा काम के लिस्ट बा, जन आपके प्यारी बेटी के सीखे के चाहिए। सुबह जल्दी उठे के बा, झाड़ू पोछा घर के सारा काम करे के बा, अब और पूजा करे के बा, ये बस ये कर काम के ही लिस्ट बा। हाँ जी भैया, हमनी सब लोग तसल्ली से बैठ के बनेले बानी लिस्ट, लेकिन आपके लाडली केहू के बात सुनत ही नहीं खे। लेकिन हमार दिमाग में आप लोगन के बात बिल्कुल भी ना जा रहल बा। आप ये लिस्ट काहे बनेले बारे और तान्या के कौन समस्या बा ये लिस्ट से? अभी मैं समझे वाला कौन बात बा बाबूजी? अब तान्या के बियाह हो रहल बा और नया घर में जाई तो वहाँ जाके एकरा के एक कामकाज तो करे के ही पड़ी ना। अब देखले बनी ना ऐसे वो बदतमीज ताया ससुर जी के। बदतमीज किस्म के ससुर? हाँ जी पापा जी, आप ही बताएं। उता तान्या की आवती काम का देले रहे और तान्या की तकल शादी भी होके के बा वो अपन घर भी जाई और अगर वहाँ पे क्यों काम कर दिए फिर, अब अगर पूजा करे खातिर कह देले फिर तान्या कर ली आरती। फिर तान्या आरती कैसे कर पाई? तो के भी तो अच्छी तरह से मालूम बना। फिर आप ही बताएं पापा जी, तान्या तो आपके बेइज्जती ही कराई ना हर बार अपन ससुराल में। हाँ एकरा तो केहू कुछ भी ना कही, लेकिन हमार बदनामी हो जाए। तो हर बात बिल्कुल सही बागीत। ना ना अब बिल्कुल टेंशन ना ली बाबूजी, ऐसा बिल्कुल ना हुई। तान्या के ससुराल में आपके शान के खिलाफ कुछ भी बोले के ककरो मौका ना मिली। और अकरा खातिर ता तान्या के तैयारी बहुत जरूरी बाना पापा जी। हमने ता आज ही ट्रेनिंग शुरू करे के चाहत हैं, पर इने केकरो बात ही नहीं के सुने ली कबो। और हम सुनब भी ना, हम ना कर सकनी सारा कुछ और आप हमसे जबरदस्ती करा सारा काम। धक्के से ना तान्या, तू ता खुद ही करबू, सीखे के ता पड़ी ही ना ये सब कुछ था। हाँ तान्या, और अगर तू काम नहीं केलू तो तुके ससुराल में ता 100 में 1 नंबर भी नहीं मिली। नमस्ते अंकल जी, का हो रहा यहाँ पर? आप सब लोग यहाँ इकट्ठे होके का सवाल कर रहा था? नहीं तू पूछत बारे,
इस सारा पंगा तहारे ता लगाई बा। हमका कहीं नहीं अब। तू एकर छोड़ा आकाश। तू बताओ बेटुआ, कनो काम रहता ना के? हाँ जी अंकल जी, अब बाऊजी के आपसे बात करके बा कुछ। आप करें अपन बात, हम जाता नहीं। तब तान्या पकड़े करा के। तान्या, अरे तान्या, तान्या, अरे तान्या, अरे तान्या, तान्या। हाँ जी पापा जी। एक बात याद रखिए, हमार बिटिया की शादी बा। पापा जी आप ऐसा काहे कह रहे हैं? आपके बेटी हमार ननद भी तो बाड़ी ना। हाँ, तुहार ननद के शादी की जिम्मेदारी अब तुहार सिर पे बा। काहे कि जसलीन जी मेरा हाउस की सारा चाबी तुहरा हाथ में रखते है ना। अब हम तुहके बहुत बड़ी जिम्मेदारी देवे जा रहा है। बताओ अगीत, निभाइबो ना जिम्मेदारी? इतना यकीन हम तोरा पे कर ही सके नी ना। पापा जी हम यकीन के काबिल बानी की ना, इत आप हमरा से बेहतर बता सकत है ना। बताएं कौन जिम्मेदारी निभावे के बात कर रहे हैं? हमार बिटिया के शादी की जिम्मेदारी। हम चाहते हैं गीत, तान्या के शादी के सारा काम तू आपन देख रेख में करा। एकर मतलब ये भइल कि आज जेके मेरा भी माने लेनी हा कि मल्हार कोनो गलत लड़की के ना चुनलस हा। और जेके की सौतेली माँ शकुंतला मेहरा ऐसे ना गीत के सर के ऊपर हाथ रख देलस हा। गरीब होए से क्यों छोटा ना हो जाला जेके? अब इस समय इस सब बात करे के नहीं खे। आप छोड़ी सब बात, तू बताओ गीत, तू तान्या के शादी की जिम्मेदारी उठा सकेलू के ना? पापा जी आप हमके पहला बार कोनो काम कर ले हैं और ये कोनो जिम्मेदारी या बोझ नहीं की बा, ये आपके आशीर्वाद बा और ये आपके आशीर्वाद के मूल्य हम जरूर दे देवा आपके। आप फिकर मत करी पापा जी, आपके बेटी के शादी के छोटा से छोटा काम हम अपन हाथ से करब, कोनो कमी नहीं खियावे देव हम अपन ननद के शादी में। अब हमरा के लागा था जे काम इतना साल से हमरा से न भइल और हमरा बाद हमार बड़ा बहू जसलीन न कर सकल, उ काम आज गीत कर देलस हा। कैसन काम? सब कुछ हमरा मुँह से ही सुने के बा। गीत एगो ढोली के लड़की बा, गरीब घर में जन्मी अनपढ़ लड़की। ये कहत राला ना तू गीत के? और आज जलंधर के बड़ा बिजनेसमैन जेके मेहरा ओकरा कई अपन लड़की के शादी के जिम्मेदारी देता। आज तक सच में गीत के ऊपर गर्व हो गई बा हमरा के। हम गीत के ऊपर कितना गर्व कर सकीला, इता तान्या के शादी के बाद ही मालूम हुई। अगर गीत तान्या के शादी अच्छी तरह से कर देली तो फिर हम भी मान लें कि मल्हार मेहरा हाउस खातिर परफेक्ट बहू चुन ले बारा। लेकिन अगर ब्याह के बीच में कोनो कमी रह गई तो फिर ही साबित हो जाए कि तू सब लोगन के फैसला गलत बा, गीत मेहरा परिवार के बहू बने के काबिल नहीं खे। हमरा की गीत के ऊपर पूरा यकीन बा, तू खुदा याद कर ला जब तानिया के लड़का वाले देखे आयल रहे तब गायत्री मंत्र से लेके मक्का की रोटी तक तोहार तो बेइज्जती ना होए देलस गीत। तू देख लिया आगे भी गीत तोहार कभू सिर नीचा ना होए दे। ये आप बिल्कुल सही कहनी चाचा जी, अब आपके बेटी के ब्याजे होवे वाला बा, तो घर के काम तो सीखे के ही पड़ता लेकिन के। आकाश तू तू तो चुप हो जा, ना तो हम कोनो काम सीखब ना ही करब। एक मिनट हम देखा तानी। हेलो हेलो। हाँ जी के? का हम गीत से बात कर सका तानी? अवतार किशन बोला तानी हम। हाँ जी अभी करवावा तानी। गीत भाभी आपकी खातिर फोन बा। हमरा खातिर फोन? हाँ जी। हेलो गीत। अच्छा के बोल रहल बा? हम अवतार किशन बोला तानी गीत।